नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि जो तुलसी का पौधा आपने अपने गमलों में लगाया उसकी कैसे केयर करें। आप देखेंगे कि जो तुलसी का पौधा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसमें बीज निकलने लग जाते हैं, और तुलसी के पेड़ की खासियत है कि अगर इसमें बीज निकल गए तो पौधा धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाता है। तो आपको क्या करना है, डेली अगर आप पौधों के पास जा रहे हैं तो ये जो बीज निकल रहे हैं उनको आपको तोड़ देना है। इससे क्या होगा कि पौधों में पौधे अपने ग्रोथ में लग जाएंगे, अदरवाइज़ अगर इन्होंने अगर आपने इसको बीज छोड़ दिए तो अपना सारा पौष्टिक के बीज में लगा देंगे और पौधा धीरे धीरे वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा और हरियाली ख़त्म हो जाएगी, जिसके बाद ये सूख भी सकता है। इसलिए आप डेली या हर दो दिन में देखिए, अगर इसमें कुछ बीज या फ्लावर आ रहे हैं तो उसको आप तोड़ लीजिए। तुलसी का पौधा हर घर में होता है, ये शुभ माना जाता है और नज़र से भी बचाता है। आप इसका चाय में भी इसके पत्तों का यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये देखिए हमने एक दूसरे पौधे पे भी आ गए हैं, इसमें भी डेली हम लोग 5 से 7 पीस तोड़ देते हैं इसके फ्रूट फ्लावर। ये देखिए हमारा लास्ट ईयर हमने लगाया था इसको। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं, आप इसके बीज को तोड़ दीजिए, पौधे में ग्रोथ बनी रहेगी। और हम देखिए इसमें हमने हमारे 2 गमले हैं, इसमें हम लोग इस तरह से आप रेगुलर तोड़ते रहिए, इसके सारे बीज कलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए हमने सारे बीज को कलेक्ट कर लिया है और इन बीजों को आप फेंकिए मत, इनको किसी और गमलों में आप थोड़ा थोड़ा छोड़ दीजिए ताकि ये रिसाइकल हो जाए और खाद बन जाए। इस प्रकार आप तुलसी के पेड़ की अच्छी केयर कर सकते हो और तुलसी के कम एक से अधिक पौधे लगाएं आप। ये देखिए मैं बीज को जो है इनके अलग अलग गमलों में थोड़ा थोड़ा डाल दे रहा हूँ ताकि खाद बन जाए और ये दूसरे पौधों के काम आ जाए, हमारा वेस्ट नहीं है ये। इस प्रकार आप रिसाइकल कर सकते हो प्रोसेस को तुलसी के पेड़ के, या किसी के भी आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। ये देख रहे हो हम सर्च कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं। ये भी हमारा लास्ट ईयर का पौधा है तो इसमें फ्रूटिंग बहुत अच्छी।